स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड यूज ऑल प्रिकॉशंस रिलेटेड टू कोविड-19। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड इन मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स, आई हैव डिस्कस्ड ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। टू ऑपरेशंस, एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आर फिनिश्ड। इसके पहले वाले वीडियोस में हम क्या बता चुके हैं, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स में दो ऑपरेशंस हो चुके थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं, इन्हीं दोनों ऑपरेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड द सम ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर वन क्या है, फाइंड द सम ऑफ, हमको सम फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 256 एंड -312। फाइंड द सम ऑफ 256 एंड -312। हमको क्या करना है, इन दोनों इंटीजर्स, ये क्या है, इंटीजर है, अब इनका हमको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 256 प्लस सेकेंड इंटीजर इज, क्या करेंगे, एडिशन का सम फाइंड करना हो या हमको सब्ट्रैक्ट करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप होगा हम लोगों का, वो उन इंटीजर्स को राइट करेंगे विथ ऑपरेशंस, मतलब कि सम करना है तो प्लस, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, ब्रैकेट के साथ प्लस सेकेंड इंटीजर इन -312 क्या हो जाएगा, 200 ब्रैकेट हटाएंगे 256 प्लस माइनस माइनस 312। अब ध्यान देंगे यहां पे, ये जो इंटीजर है इसका साइन नेगेटिव है, ये इंटीजर इसका साइन पॉजिटिव है। अपोजिट साइन हम बताए थे, इंटीजर्स का एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, जब साइन अपोजिट होते हैं तब वह सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा उसका साइन, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसी का साइन वहां पे आंसर में भी लिया जाएगा। तो इस नंबर में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 12 माइनस 6 यहां पे 0, तो 10 माइनस 5 कितना आ गया, 2 माइनस 2 0 56। तो ये नंबर इसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, -56। ओके स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही इसके जितने भी पार्ट्स हैं सारे क्वेश्चंस हम इसी टाइप से करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, कोई सेकंड पार्ट क्या है, -319 एंड -136, इसका हम सम फाइंड करेंगे, तो -319 प्लस सेकेंड -136 सेम साइन, एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स के साइन अगर सेम है तो नंबर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे और आंसर में साइन वही रहेगा जो दोनों का साइन होगा। ऐड कर देंगे, इसका भी साइन नेगेटिव, इसका भी साइन नेगेटिव, दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, 9615 वन कैरी, 31415 -451, 9615 वन कैरी, 31415 आंसर। सम ऑफ दीज इंटीजर्स इज -455। ओके, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इसके जितने भी पार्ट्स होंगे, सब के सब क्या करेंगे, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, जो नंबर्स को, जिन नंबर्स का आपको सम फाइंड करना है उनको हम ब्रैकेट के थ्रू
सम करना है, इस नाते से प्लस हम उसको राइट कर देंगे। बस अब उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट को हटाएंगे, उसके बाद अगर सेम साइन है तो नंबर्स को ऐड कर लेंगे, आंसर में जो आएगा आंसर उसका भी साइन वही होगा, अगर अपोजिट साइन है तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्ट, दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आर होमवर्क, इसके जितने भी पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तो वो सब क्या है, होमवर्क है। चलिए कोई एक पार्ट और इसका देख लेते हैं, इसका एक पार्ट और देखेंगे, -127 and 300 क्या हो जाएगा, -127 फर्स्ट स्टेप में हम बताए हैं, सबसे पहले हम नंबर्स को राइट कर देंगे ब्रैकेट में। अब क्या होगा, -127 + 300, आप ध्यान देंगे यहां पे साइन अपोजिट है, ये प्लस साइन के साथ है और ये माइनस साइन के साथ, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर ये निगेटिव इंटीजर, तो जब अपोजिट साइन होते हैं तो नंबर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर इसमें से ये नंबर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 - 7 = 3, 10 यहां पे क्या हो जाएगा, 9 - 2 = 7 यहां पे 2 - 1 = 1 इसका साइन पॉजिटिव है तो आंसर का भी साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, तो इसके जितने भी पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर वन के थ्री पार्ट्स तो हम सॉल्व करवा चुके हैं, इसके रिमेनिंग थ्री पार्ट्स खुद से सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे सॉल्व किए बस उसी तरह से क्या होगा, इसके और बाकी के सारे पार्ट सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर टू सब्ट्रैक्ट, हम बताएं कि इसके जितने भी इसके पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो ऑपरेशन करवाए थे, सेम उन्हीं ऑपरेशन पे ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर टू है सब्ट्रैक्ट, अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर टू में सब्ट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐड करना था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर टू सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट पार्ट इसका आया 32 फ्रॉम -56, 32 फ्रॉम -56 सब्ट्रैक्ट करना है आपको, 32 को फ्रॉम -56 ध्यान देंगे, सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उस नंबर में से फ्रॉम के पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 32 को सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम -56 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम नंबर्स को राइट कर देंगे जो इंटीजर्स है, पहला इंटीजर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन का साइन, सेकंड इंटीजर इज 32 तो क्या हो जाएगा, -56, ये भी क्या हो जाएगा, -32। अब दोनों के साइन क्या हो गए, सेम साइन, जब सेम साइन होंगे तो नंबर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, 628 538 साइन कितना हो गया, 88। सेकंड पार्ट इज -73 फ्रॉम -80, -73 फ्रॉम -80 तो यहां से क्या करना है, -80 से -73 को सब्ट्रैक्ट करना, तो सबसे पहले हम इस नंबर को राइट करेंगे -80 माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है -73 को, -73 -80 माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, बता चुके हैं इसके पहले, तो प्लस 73। अब इसमें ध्यान देंगे कि ये इंटीजर पॉजिटिव हो गया, ये इंटीजर निगेटिव है, तो जो अपोजिट साइन होते हैं इंटीजर्स के तो नंबर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा 7, और बताया है कि जिस नंबर में से सब्ट्रैक्ट होगा उसी का साइन आंसर में लेते हैं, तो ये माइनस 7, ये आ गया कितना, -7 इसका। नेक्स्ट पार्ट है इसका, एक पार्ट और इसको हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम लेते हैं, इसका सेकंड का फिफ्थ पार्ट है, -92 फ्रॉम
-23, क्या करना है -92 फ्रॉम -23, मतलब -23 से -92 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस इंटीजर को पहले राइट करेंगे -23 माइनस सेकेंड इंटीजर 92, तो -23 माइनस माइनस प्लस 92। अब ये पॉजिटिव इंटीजर, ये निगेटिव इंटीजर, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 12 माइनस 3 9 3 12 8 बचा होगा यहाँ पे, 8 माइनस 2 6, तो ये पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ये हो गया। तो सेम ऐसे ही जितने पार्ट हम ये सॉल्व करवाए हैं, जैसे ये पार्ट सॉल्व किए हुए हैं, बाकी के पार्ट्स भी क्या होंगे, इसी टाइप से सॉल्व होंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी की जो एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स बच रहे हैं वो बाकी के क्वेश्चंस क्या रहेंगे, होमवर्क। और बाकी के 3/4 क्वेश्चन नंबर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 to 10 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके थैंक यू क्लास।